नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और आज मनीष सिसोदिया की रॉस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। कल करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई सीबीआई के द्वारा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें आपको कि सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। कोर्ट में पेशी होने से पहले मेडिकल जो है वो कराया जाएगा। तो आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जिनको आपको बता दें कि सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। कल सीबीआई कल सुबह से ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी और 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया ये जा रहा है कि सीबीआई ने उन्हें दरअसल 2 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, जिसमें धारा 120 बी और 477 बी के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक इस पूरी गिरफ्तारी पर एजेंसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी जो है वो नहीं आई है इस पूरे मामले को लेकर। तो बता दें आपको कि दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब इस गिरफ्तारी के बाद कल पहले पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद फिर गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेशी। लेकिन वही आम आदमी पार्टी जो है 12 बजे से पूरे देश भर में प्रदर्शन करने को तैयार है। वो ये कह रही है कि गलत इस्तेमाल जो है वो इन एजेंसियों का हो रहा है। अब ऐसे में आपको हम बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके बाद बीजेपी लगातार जो है वो ये कह रही है कि सच की जीत होती है, हम लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन वही आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिसोदिया के घर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि 2021-22 में जिस तरह से नई शराब नीति को लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, और ये कहा गया था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, इससे कई सारे जो माफिया राज हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके उलट नतीजे आने लगे थे और उसके बाद लगभग 9 महीने की ये जांच चल रही, जिसके बाद कल सीबीआई की ओर से ये पूछताछ की गई जो कि 8 घंटे चली और उसके बाद सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा भी ये माना गया था कि जिस तरह ये माना जा रहा था कि राजस्व बढ़ेगा इससे और जो माफिया राज है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके उलट ही नतीजे आ रहे थे। फिलहाल आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन करने वाली है और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आज जिस तरह से पेशी होगी, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पेशी होनी है, सीबीआई ऐसे में रिमांड मांगेगी, लेकिन क्या वो रिमांड जो है वो मिल पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। देश भर में प्रदर्शन होने वाला है, पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। तो सीएम केजरीवाल के आवास पर फिलहाल आप नेताओं की बैठक जो है वो चल रही है। उसके बाद आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में, पूरे राज्यों में, अलग अलग जगह, पूरे देश भर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी नेता परवेश वर्मा और आप नेता गोपाल राय ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से आरी जारी है, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपसे सीबीआई ने शराब मंत्री को गिरफ्तार किया है और वो बार बार पूरी बहस को शिक्षा की तरफ में मोड़े जा रहे हैं, अगर वो शिक्षा के ऊपर बहस करना चाहते हैं तो जब वो शिक्षा के कोई घोटाले में पकड़े जाएंगे तो वो शिक्षा के ऊपर बोलें। आज वो शराब घोटाले के ऊपर पकड़े गए हैं तो उनको शराब के ऊपर बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने 2% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाया, 140 करोड़ रुपए वापस क्यों किया, अपनी पॉलिसी को वापस क्यों किया,
ये सारी ऐसी तमाम बातें हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जगह जगह से हमारे रिपोर्टर जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि गौरव मिश्रा राउज रेवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये वही कोर्ट जहां पर आज मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। इसके अलावा मनीषा ढिंडोरिया जो है हमारे सहयोगी, वो दिल्ली बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हुई है हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर आज का हलचल है वो भी आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय से दीपक चौबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ नमित त्यागी आम आदमी पार्टी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नमित, आप ही के पास हमारा चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि एक अहम बैठक जो है वो चल रही थी मुख्यमंत्री के आवास पर, और अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी है वो तैयारी में 12 बजे से देश भर में प्रदर्शन करने के लिए, फिलहाल आप दफ्तर पर आप मौजूद हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको? देखिए बिल्कुल निदा, कल दिल्ली के डेप्यूटी सीएम को सीबीआई के सामने पेश किया गया और वहां पर 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रात देर 7:30 बजे उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है आज पूरे दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। पूरे देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। यहाँ से देखिए महज 10 कदम की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और यहीं से जो प्रदर्शन है वो शुरू होगा, और महज 400 मीटर की दूरी पर बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर ये प्रोटेस्ट जाएगा। लेकिन उसको रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की कितनी भारी व्यवस्था यहां पर की गई है। देखिए वज्र वाहन, वाटर कैनन की बात करें, पूरी व्यवस्था यहां पर दिल्ली पुलिस ने की है ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस बैरिकेड से आगे ना जा सके। दूसरी तरफ वो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो है राउस एवेन्यू कोर्ट। यहां से महज 5 से 10 कदम की दूरी पर राउस एवेन्यू कोर्ट है जहां पर मनीष सिसोदिया को 2 बजे पेश किया जाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले सीबीआई उनका मेडिकल भी कराएगी। लेकिन ये व्यवस्था देखिए, इतनी ज़्यादा फोर्सेस को यहां पर डिप्लॉय किया गया, और ये केवल एक नहीं, ये तो केवल दिल्ली की तस्वीरें हैं, पूरे देश के अंदर से इस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी। 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम देश के अलग अलग राज्यों के अंदर ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, इसमें डिसाइड किया गया कि पार्टी से जान लेते हैं कि आखिर राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम हुए हैं। नमित, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, गौरव अगर आप भी राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर आप खड़े वहां की तस्वीरें दिखा पाए। राउस एवेन्यू कोर्ट की तो इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की जो पेशी है राउस एवेन्यू कोर्ट में ही होनी है। हालांकि अगर बात करें कल देर रात से मनीष सिसोदिया सीबीआई की कस्टडी में है, और आज तकरीबन 2 बजे दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब मनीष सिसोदिया को इसी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी अगर हम देखें जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट में भी आपको पुलिस बंदोबस्त जो है वो दिखाई दे रहा होगा, तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो आपको चाक चौबंद दिखाई दे रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल अधिकारी हैं वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम गेट नंबर 6 की बात करूँ तो ये गेट नंबर 6 है जहाँ से प्रवेश करते हैं तमाम जो वकील हैं वो लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो दोनों ही गेटों पर जो सुरक्षा बंदोबस्त है आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा, और ये तस्वीरें ही काफ़ी हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। हालाँकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो इनको 19 फरवरी को एक CRPC 41A के तहत नोटिस जारी किया गया था कि वो पूछताछ में सहयोग करें, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांग लिया था। उसके बाद फिर 26 फरवरी को CRPC 41A के तहत नोटिस जारी किया गया। अब जब ये तमाम जो नोटिस जारी किया गया मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए सीबीआई के समक्ष आने के लिए, उसमें जो 26 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था उसमें साफ तौर पे जो बात कही गई थी, ये कहा गया था कि जिन सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने टाल दिए थे, जिन सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए थे, उन सवालों के जवाब सीबीआई जो है वो उनसे चाह रही थी, क्योंकि तमाम जो जवाब मनीष सिसोदिया को देने थे वो 26 फरवरी को जो नोटिस जारी किया गया उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो सभी जो सवाल थे वो उनसे किए गए। सीबीआई सूत्रों का कहना कि जो जवाब है मनीष सिसोदिया की तरफ से वो नहीं दिया गया, और अब उसके चलते जिस तरीके से आज सीबीआई कोशिश करेगी कि 3 दिन की जो कस्टडी है वो उनको मिले ताकि आगे की जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो आसानी के साथ सीबीआई कर सके। ठीक है गौरव, गौरव ठीक है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, एसएन सिंह साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर आज खुश तो बहुत होंगे आप, लेकिन आपकी इस खुशी के दिन को आम आदमी पार्टी काला दिन करार दे रही है। देखिए खुश में की जनता है, जो लोग ये कहते हैं हमको तंग पास कुछ निकलता हमको गिरफ्तार कर, इस तरह के साहस अंदर से अगर कुछ निश्चित तौर पे जनता खुश होगी, और दिल्ली की इसलिए भी खुश, तो कहते थे कि हम बहनों की।
पीसीआर टीम जरा ऑडियो चेक कीजिए, एसएन सिंह साहब का ऑडियो जो है बहुत ज्यादा कट कट के आ रहा है। सर आएंगे आपके पास और हमारे तमाम सहयोगी भी जगह जगह से जुड़े हुए। आइए एक बार हम मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। मनीषा यहाँ पर मेहमान भी बैठे हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर है फिलहाल, वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 12 बजे से सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी में, बीजेपी की क्या तैयारी आज? मतलब दिल्ली बीजेपी में अभी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सांसद रमेश भदौड़ी के द्वारा और उसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जा सकता है और ये एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बताई जा रही है जो कि रमेश भदौड़ी के द्वारा की जाएगी। यहां पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से कई सारे बयान जो है आ रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर। तमाम बीजेपी के नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि शराब घोटाले पर बात ना करके शिक्षा को बीच में घुसाया जा रहा है। मनीषा यहां पर मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, दरअसल अपडेट करा दे अपने रनडाउन टीम से, एक बहुत बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी मनीषा जो है वो साझा कर रही है कि बीजेपी 12 बजे मनीष सिसोदिया मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो 12 बजे देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, देश भर में आंदोलन करेगी, और वहीं बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर हमारी सहयोगी मनीषा ने यह साझा की है कि बीजेपी जो है वो ठीक 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जी मनीषा जी बिल्कुल निदा, बड़ी जानकारी हमारे पास है 12 बजे से, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे, वहीं रमेश भदौड़ी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके बाद ही मैं आपको बता दूं जितने सवाल जो है बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं, सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि 2% से 12% क्यों बढ़ाया गया, शराब घोटाले पर बात नहीं कर रहे हैं, अगर खुद को वो चाचा कहते हैं तो हर स्कूल के बाहर एक शराब का ठेका क्यों खुलवाया था मनीष सिसोदिया ने, और साथ ही लेकिन ब्रजेंद्र जय पांडा ने ट्वीट करके ये कहा है आम आदमी पार्टी के लोग आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर घोषित कर रहे हैं, तो हम उनको बता दें कि उनका जो मास्टरमाइंड था शराब घोटाले में वो पकड़ा गया है, तो उनको आज का दिन ब्लैक डे नहीं बल्कि ब्लैक लेबल डे या फिर ब्लैक डॉग डे के तौर पर। मनीषा हमारे साथ दीपक चौबे भी बने हुए हैं, दीपक आप बीजेपी हेडक्वार्टर पर हैं, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए जिस तरह ये कहा जा रहा है कि आज बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, अब पूरी तरह से देखिए ये लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस आप चल रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और चारुल देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए मैं इस टाइम बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ, और अगर बात की जाए तो यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर ही राउज एवेन्यू कोर्ट है और करीब 1 किलोमीटर से कम आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। और अगर बात की जाए तो देखिए बीजेपी जेपी जो राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि एक इंटरनल बैठक भी है उनकी। उसके बाद उस पूरे इलाके की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कई लेयर में सुरक्षा की गई। देखिए मैं आपको अपने कैमरे में से कहूँगा कि वो दिखाए कि दिल्ली पुलिस की जो लगातार जो टीमें हैं वो राउंड कर रही है, लगातार कई टीमों को यहाँ पे लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, जिन गाड़ी जैसे बसेस जो हैं उनको इस रोड पर बैन कर दिया गया है, जिनको ज़रूरत होगी बस वही आएंगे। हालाँकि अगर बात की जाए क्योंकि 12 बजे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है तो उसको देखते हुए भी बीच बीच में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, और उसके बाद ये जो दोनों रोड है जो मिंटो रोड की साइड जाता है या फिर जाए कि नई दिल्ली की साइड जाता है चारुल, तो इस रोड को पूरा बंद कर दिया जाएगा। और अब बात की जाए कि शराब को लेकर जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो आक्रमण थी, लगातार वो चाहती थी कि इस पर गिरफ्तारी हो, और लगातार देखिए जिस तरीके से साफ कहना है बीजेपी के नेताओं का कि जो सबसे बड़े जो सरगना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि प्रवेश वर्मा ने बोला कि अगर जब अपने उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं उनसे भी अपील की है कि अब आप कोई फाइल पर साइन मत करिए, पहले अरविंद केजरीवाल करेंगे उसके बाद आप फाइल पर साइन कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अभी जनता के बीचों में जाएगी और बताएगी किस तरीके से शराब घोटाला हुआ है। हालाँकि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा की स्वास्थ्य की बात कर रही है कि हमने दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा दिया है, शिक्षा दिया है, पानी दिया है, बिजली फ्री दिया है, उसको लेकर दिल्ली आम आदमी पार्टी बुलाना चाहती है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाए। वहीं अब बीजेपी भी डोर टू डोर कैंपेन करने की तैयारी में है कि किस तरीके से जो शराब घोटाला हुआ है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कहा जा रहा है कि कई जो दीपक लौटेंगे आपके पास कुछ तस्वीरें दिखा दें। संजय सिंह को आप देख सकते हैं फतेहपुर बेरी थाने में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार आज जो है हम देखेंगे कि देश भर में आम आदमी पार्टी 12 बजे से प्रदर्शन करेगी। इस बीच संजय सिंह को आप देख सकते हैं
नारेबाजी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और उसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने लगभग देखिए 6 महीने की जांच चली जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के जो आरोप हैं वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगे, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे अहम चीज है कि कल गिरफ्तारी हुई है, आज मेडिकल है और उसके बाद उन्हें राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार इसे काला दिन बता रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, संजय सिंह को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। संजय सिंह जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो सरासर गलत है। यहाँ पर संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से कल 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की, उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सिसोदिया पर दरअसल जांच में सहयोग न करने का आरोप जो है वो लगा है। नमित हमारे सहयोगी लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। नमित का हम एक बार फिर से रुख करेंगे। नमित, संजय सिंह जो है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कि बैठे हैं थाने के अंदर, कई लोग उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। अभी जो है बीजेपी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, आम आदमी पार्टी 12 बजे सड़कों पर उतरने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया पर अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा ये झटका, और दूसरी बात ये कि कितने वक्त तक के लिए मनीष सिसोदिया जो है वो अंदर जा सकते हैं। नमित, देखिए वो तो उसका जवाब मैं दूंगा निदा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो अब देखिए, जो सीनियर अधिकारी हैं वो सड़कों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। देखिए जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ ऑफिसर हैं, वो आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस रोड की तस्वीर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये आम आदमी पार्टी की बगल की सड़क जाती है और यहीं से राउस एवेन्यू कोर्ट का वो गेट है जहाँ पर मनीष सिसोदिया को जिस गेट से ले जाया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की एक प्रीमियर एजेंसी है, वो अगर किसी सरकार के उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट करती है तो अगर हम लोग वास्तव में कानून का सम्मान करते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे उनको अरेस्ट करने के। उनके कारणों पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से शराब की नीति के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के स्पोक्स पर्सन्स ने आज तक आम आदमी पार्टी से और पर्टिकुलरली मनीष सिसोदिया जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछे हैं, उनका आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में कोई जवाब नहीं मिला है किसी को भी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। आपने ऐसी शराब नीति बनाई कि सारी दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, और उनको खोलने के लिए आपने शराब के मैन्युफैक्चरर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके संबंधित लोगों को फेवरेटिज्म किया, उनको पॉलिसी पहले से सर्कुलेट कर दी। कितनी सारी बातें बाजार में आ रही हैं, आपने कई दर्जन टेलीफोन बदले, आपने कमीशन का जो है रेट बढ़ा दिया, आपने जो है उनको कितने प्रकार के फेवर्स किए, ये सारी बातों का तो आज तक कोई जवाब मिला नहीं है। और अगर सीबीआई को, जैसा कि वो बार बार आरोप लगाते हैं, उसको अगर अरेस्ट करना होता पहले ही दिन, कोई उनका कोई दूसरा एजेंडा होता तो वो पहले ही दिन कर लेते, उन्होंने इतने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन किया है। ये सेम बात ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी कहा करते थे, और स्वास्थ्य मंत्री जो है आज कई महीनों से जेल में है, सारे देश की जो अदालतें हैं उनका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आखिर किसी के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा ना, अदालत के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और
ये तो अब देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में कोई भी भ्रष्टाचारी। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिनका साफ साफ ये कहना है कि अगर कुछ भी गलत नहीं किया है तो जांच एजेंसी को उनका काम करने दिया जाए। बिल्कुल, ब्रेक के बाद तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। एसएन सिंह जी बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगे, दीपक उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष दुबे जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस, इनका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार एक बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, आपको बता दें कि सिसोदिया पर शिकंजा जो है वो लगातार कसता हुआ चला जा रहा है। अब ऐसे में इस बीच बीजेपी खेमे से भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। दरअसल बीजेपी जो है वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दरअसल शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हुई, आज उनकी पेशी है, दोपहर 2 बजे के करीब पेशी हो सकती है, और इस बीच 12 बजे बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बिल्कुल बड़ी खबर, बीजेपी आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है मनीष सिसोदिया को लेकर। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज 12 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और ऐसे में देखिए आज जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, ये देखते हुए भी सुरक्षा जो है वहां पर बढ़ा दी गई है। कल गिरफ्तार किया गया था मनीष सिसोदिया को, शराब घोटाले मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया। 8 घंटे की लंबी पूछताछ की गई पहले, और अगर शुरुआत से देखें तो लगभग 6 महीने की जांच चली है, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को मुद्दा बना रही है और उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन भी करने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आखिर डर किस चीज का है, और अगर निजी तौर पर यानी अगर जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी करवाई गई होती तो शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया जाता, उसके लिए इतना लंबा इंतजार नहीं किया जाता, पेशी नहीं होती, सवालों का सिलसिला नहीं किया जाता। बिल्कुल, तो बीजेपी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, देखना होगा कि अब कौन से नए हमले के साथ बीजेपी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जिनको सीबीआई ने कल गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पहले 8 घंटे पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें दरअसल सिसोदिया पर जांच में सहयोग न करने का भी आरोप लगा है, और सिसोदिया की इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रही है। आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने हालांकि तुरंत पलटवार कर दिया, क्योंकि आपको हम बता दें कि संजय सिंह ने ये कहा, बकायदा ट्वीट किया कि मोदी सरकार को तानाशाह उन्होंने करार दिया था अपने ट्वीट में। मोदी सरकार को तानाशाह वो बताते हुए कहते हैं कि आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया है मोदी जी, भगवान जी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है, इसी बीच 12 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और 2 बजे के बाद आपको बता दें कि दरअसल पेशी जो है वो हो सकती है। अब हम मेहमान जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आइए एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे हम करा देते हैं। थोड़ी देर में एसएन सिंह साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा दीपक उपाध्याय साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी आपका स्वागत है, साथ ही साथ संतोष दुबे जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है सर। साथ ही साथ अजय अरोड़ा साहब जो कि नेता कांग्रेस है, और संजय राणा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करेंगे आम आदमी पार्टी का। संतोष दुबे सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आप लोग पहले कह रहे थे कि हम लगातार सहयोग कर रहे हैं, हम हर जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को हमारे पास से मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो आप इसे काला दिन करार दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर कुछ भी आपने गलत नहीं किया है तो जांच हो जाने दीजिए। सर, आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को कैसे देख रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया को एक बार नहीं कई बार गिरफ्तार किया गया, और हर गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने क्लीन चिट दी। अब जो गिरफ्तारी हुई है वो किस कौन सी पटकथा है जो सीबीआई अब करना चाहती है, इसको एक तरीके से आप ये समझो कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। किसी भी अच्छे इंसान को जो सरकार के खिलाफ बोल दे, आज बोलना जो है गुनाह हो गया है, कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, अगर कोई बोलता है तो वो सीबीआई और ईडी के गिरफ्त में आता है। कौन सा लोकतंत्र चल रहा है इस देश में, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अजय अरोड़ा जी भी है कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय अरोड़ा जी, क्या कांग्रेस की जो है आम आदमी पार्टी की बातों से इत्तेफाक रख रही है इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए निधा जी, जिस प्रकार से
शराब घोटाला हुआ और ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए और करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। हम तो ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल रोकना चाहेंगे सर। आपको एक बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई मुख्यालय में डॉक्टर की एक टीम पहुंच चुकी है मनीष सिसोदिया का। यहाँ पर देखिए अभी मेडिकल चेकअप होना है, कल रात में भी डॉक्टर्स की टीम मेडिकल जांच करने के लिए पहुंची थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सीबीआई मुख्यालय पहुंची है डॉक्टर्स की एक टीम और यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मेडिकल किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि पेशी से पहले, क्योंकि कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की, उससे पहले उनके तमाम मेडिकल टेस्ट जो है वो पूरे करवा लेना चाहते हैं, तो लिहाजा सीबीआई मुख्यालय में डॉक्टर की एक टीम जो है वो पहुंच चुकी है क्योंकि मनीष सिसोदिया का अभी मेडिकल चेकअप जो है वो कराया जाएगा। कल रात में भी डॉक्टर एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं, आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आप बताइए, मॉरिसस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया, वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है, कैसे पता चलेगा? कहां है आपकी सेबी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है आपकी ईडी, कहां है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है, ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहां की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस घोटाले को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का, आपकी सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए मोदी। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोगों को अभी छोड़ा है थाने से, और इसके बाद हम लोग आंदोलन जो है हमारा उसमें जाएंगे। सुन रहे थे, आपको बता दें कि संजय सिंह जो है और भी तमाम लोगों के साथ उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिलहाल इन्हें थाने से छोड़ दिया गया है और आप नेताओं को भी उनके साथ छोड़ा गया है। उसके बाद मीडिया से बातचीत संजय सिंह कर रहे थे, जिनका साफ साफ ये कहना है कि एक बार फिर से अडानी का मुद्दा वो उठाते हुए नजर आए। एक बार उन्होंने फिर से कहा कि हम सच्चे लोग हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं, आप लोग चाहे कितने मुकदमे दर्ज करा लीजिए, चाहे लाठीचार्ज करा लीजिए, हम इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच अहम खबर यह है कि मनीष सिसोदिया का अभी मेडिकल चेकअप जो है वो होना है। आपको बताने की सीबीआई मुख्यालय में डॉक्टर्स की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंच गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरण इस वक्त जुड़ चुके हैं। अली, क्या अपडेट? सीबीआई मुख्यालय में डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई है, पैनल पूरा सीबीआई मुख्यालय पहुंच चुका है जो कि मेडिकल चेकअप करेगा, क्योंकि प्रक्रिया होती है कि जब किसी भी
आरोपी को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जेल भेजने से पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है, बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो अभी कोर्ट में पेश करने की जो जानकारी है वो ये है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सीबीआई के विशेष अदालत कोर्ट है वहां उनको समक्ष पेश करना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस उनको रिमांड पे लेगी या उनको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल जो है वो मेडिकल चेकअप के लिए 5 सदस्यीय टीम पहुंच चुकी है मेडिकल चेकअप के लिए सीबीआई मुख्यालय। निदा, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप देखिए लगाए जा रहे हैं। सिसोदिया की देखिए आज पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये पेशी की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ ना जाए इसका एक डर जो है वो बना हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं, एसएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा सवाल संजय जी आपसे है, देखिए जिस तरह हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनकर उभर रही थी, ऐसे में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं, चाहे अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो, एमसीडी में भी हमने देखा कि पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा, और उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। चारुल, गुड मॉर्निंग टू माय फेलो पैनल। देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं जांच की आंच तो आएगी ही आएगी अगर आपने कहीं गलती की है, और इसमें अगर आप पूरा प्रकरण देखेंगे लिकर स्कैम का, तो स्कैम हुआ है। आपको बताना दो तीन तथ्यों को रखना चाहूंगा जो बहुत बोल तो दिया यार, क्या गोपाल जी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, सुधा जी उनको गिरफ्तार किया गया, आपको लगभग 24 घंटे से यहाँ बैठा रखा गया, तो क्या कहना है? देखिए देश के अंदर लोकतंत्र को हत्या की जा रही है, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अडानी के साथ यारी जारी है, ये प्रश्न पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ा हम झुकेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी। आपके दो मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कितना असर होगा दिल्ली सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी? नहीं, एक मंत्र सारे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर लें तब भी सरकार भी चलेगी और ये लड़ाई भी चलेगी। सीबीआई की तरफ से कहना है कि उनके पास तथ्य हैं और कई बार की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, तथ्य उनके पास हैं सारी, तो सारे जगह तो छापेमारी कर ली। मिला क्या था बता दें, क्या मिला घर से, क्या मिला था उनके बैंक अकाउंट से, उनके घर पे क्या मिला बताएं, तो कुछ तो बताएं क्या मिला उनको। छापेमारी तो मारी थी सब जगह, मिला क्या उनको? अडानी के खिलाफ उनके पास तथ्य नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सारे तथ्य हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है कि दोहरे पैमाने के साथ कैसे काम हो रहा है। मोदी जी के साथ दोस्ती कर लो तो सारे गुनाह माफ हो गए, और वरना आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो सारे गुनाहगार हो जाओगे। ये दोहरी नीति जो है इस देश के अंदर ना कभी चली इतिहास में, ना आगे चल सकती है। जी संजय जी, आपका जवाब। हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखिए आप अगर ओवरऑल देखेंगे जो सेल था लिकर का, वो दिल्ली में तकरीबन प्रति महीना 1,35,00,000 लीटर था ये पॉलिसी आने के पहले, और पॉलिसी आने के बाद 2,45,00,000 लीटर हो गया। आपकी उम्र देखिए 25 से घटा के 21 कर दी गई। आप ये देखिए कि जो टेन्योर था बार का वो 3 बजे रात तक कर दिया गया, यानी सेल कहीं ना कहीं बढ़ी थी और रेवेन्यू जो है बहुत डिप हो गया था, 39% डिप हो गया था। और जो गिरफ्तारी देखिए, एक होता है गिरफ्तारी क्यों हुई, देखिए जितने भी चाहे वो विजय नायर साहब हों, चाहे समीर हों, चाहे मिस्टर अरोड़ा हों, चाहे जो YSR के रेड्डी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इवन दो KCR की बेटी के CA जो गिरफ्तार हुए, सबकी पूछताछ के आधार पर किया जाएगा और इनको हो सकता है सामने सामने बैठाया जाए। अगर सामने सामने बैठाया जाएगा तो हो सकती है मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ जाएं। उनके अगर एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिया था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 21 जून को इनकी मीटिंग हुई थी बुच्ची बाबू अलॉन्ग विद अरुण पिल्लई एंड अभिषेक, मेट विजय नायर एट गौरी अपार्टमेंट इन दिल्ली। अरुण पिल्लई टोल्ड बुच्ची बाबू दैट विजय नायर वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द दिल्ली लिकर बिजनेस। विजय नायर टोल्ड हिम द न्यू लिकर पॉलिसी वॉज ड्राफ्टेड
ए वे द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस वुड गेट बेनिफिट। तो ये देखिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने कबूलनामे में कबूल की है जिसके आधार पे ये सारी गिरफ्तारी हुई है। नो डाउट कहीं ना देखिए अभी गोपाल राय को हम सुन रहे थे चारुल जी, देखिए डायरेक्ट किसी घर में कुछ नहीं मिलता है, कोई कैश लेके नहीं बैठा रहता कि उसके अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है या लॉकर में पैसा पड़ा है। ये तथ्यों के आधार पर कि पैसों का गमन क्या हुआ, पहले जो आप देख लीजिए इस पर जो एक्साइज लगती 200% था, वैट था 25%, उसको घटा करके 1% कर दिया गया, तो यानी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था 9,000 करोड़ रुपीज, बट ये जो टोटल रेवेन्यू जो लास्ट क्वार्टर में हुआ था 1,435 करोड़ ही हुआ। तो रेवेन्यू का लॉस जब होता है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा इसका जो बीच का फायदा वो किसको गया। और ये कहा गया था आम आदमी पार्टी की ओर से कि रेवेन्यू बढ़ेगा जब नई शराब नीति जो है वो लागू होगी, लेकिन इसके उलट ही नतीजे रहे। लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा ने स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से बातचीत की है, कानून व्यवस्था किस तरह की इसका जायजा लिया है वो रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसको लेकर के खासा ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो DCP हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं पाठक, वो अपने तमाम जो पुलिस के जो जवान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जो बात करें अगर यहाँ पर तमाम जो गेट हैं वो अलग अलग गेट हैं और उन सभी गेटों पर जो पुलिस बंदोबस्त है वो बहुत चाक चौबंद किया गया है, और लिहाजा दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि कहीं से भी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक है वो ना। पुलिस हैज अ वेरी वेरी फोकस्ड रोल, आई अगेन आई रिटरेट, सो दैट वी आर डूइंग इट, ओके, सो लेट मी ऑर्गेनाइज, लेट मी प्लान प्लीज। तो ये बता रहे हैं पूरी तरीके से जो तैयारी है वो की गई है, और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है रॉस एवेन्यू कोर्ट में उसको लेकर के सभी प्रकार के जो पुलिस बंदोबस्त हैं वो किए जा चुके हैं। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। भेजो भेजो बाबा। तो आपने देखा कि सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट के बाहर कैसे इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से दिल्ली में शांति जो है वो अशांति में तब्दील ना हो इसके लिए खास ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा ही गया था कि वो लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ CBI मुख्यालय जो है मनीष सिसोदिया खुद से जाएंगे, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी की तैयारी है उसमें तब्दीली है, क्योंकि 12 बजे से देश भर में जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस गिरफ्तारी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी का जो बिल है वो माफ किया, अडानी को मदद की, इसके साथ ही उद्योगपतियों का नाम लिया जा रहा है। हम ये समझना चाहेंगे कि मनीष सिसोदिया ठीक है तो आप उसके सबूत दीजिए। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी मदद की, उन उद्योगपतियों का साथ दिया, तो आप अपनी बताइए ना कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ठीक हैं। देखिए मेरी कमी तेरी कमी से सफेद, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चोर चोर मुसेरे भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अडानी को, गौतम अडानी को सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल ना कार्रवाई कर रही है, इधर मनीष सिसोदिया ने जो शराब घोटाले में रेवेन्यू का लॉस किया, दिल्ली सरकार का नुकसान किया, उसके लिए सिसोदिया जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, मैं तो दोनों पार्टी को कटघरे में खड़ा करूंगा कि जिस प्रकार से गौतम अडानी ने देश का नुकसान किया, खून पसीने की कमाई का नुकसान किया, देश के गरीबों का नुकसान किया, बैंक, LIC, शेयर मार्केट, और इधर सिसोदिया ने जिस प्रकार से शराब घोटाले में ब्लैक लिस्टेड को, मैंने पहले भी बोला है कि ब्लैक लिस्टेड पार्टीज को इन्होंने कॉन्टैक्ट दिए, और जिस प्रकार से इन्होंने शराब में बढ़ावा दिया, रात की सीमा बढ़ा दी, और मतलब कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि CBI जो काम कर रही है वो सही कर रही है सर, हाँ या ना अजय जी? देखिए CBI काम सही कर रही नहीं कर रही तो समय बताएगा, लेकिन नहीं नहीं सर, सर अभी फिलहाल मैं जाना चाह रही हूँ, CBI अपना काम सही कर रही है? देखिए हम उम्मीद करेंगे, हाँ। हम उम्मीद करेंगे CBI अपना काम ठीक करे, हाँ। और सिसोदिया के मामले में भी ठीक करे, और गौतम अडानी के मामले भी संज्ञान लें,
लेकिन लेकिन यही सीबीआई जब कांग्रेस के लीडर्स तक पहुंचती है सर, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। चलिए ठीक है जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ दीपक जी भी लगातार जुड़े हुए, दीपक जी का रुख करते। दीपक जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जब इस तरीके की फाइट होती है राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, जो अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रही है, सर सबसे ज्यादा नुकसान उस राज्य की जनता का होता है जो इन्हें चुनकर के लेकर आती है, जो उम्मीद लगाए बैठी होती है कि हाँ ये जब आएंगे तो हमारे राज्य की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन यहाँ तो लड़ाई किसी और तरफ मुड़ जाती है, ऐसे में जो मुद्दे हैं वो एक तरफ पीछे छूट जाते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी या उससे पहले जब आंदोलन हुआ था, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार ही था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, उसमें आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी थी। और उसके बाद उसी मुद्दे को आगे बढ़ाकर ये सब दिल्ली की सत्ता में आए, उसके बाद पंजाब में भी इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती जा रही है। 3 MLA पंजाब में गिरफ्तार हो चुके, 1 मंत्री ऑलरेडी जेल में है, दूसरे मंत्री कल गिरफ्तार हो गए, उप मुख्यमंत्री जिनके पास 17-18 डिपार्टमेंट है दिल्ली के, और कहा जाता है दिल्ली के गलियारों में कि सरकार जो है वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं। और बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया एक दिन में गिरफ्तार हो गए हो, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, थोरो इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो डिवाइस भी सीबीआई ने रिकवर कर ली है, जिस डिवाइस में ये व्हाट्सएप पे पॉलिसी आई थी। मतलब ये ऐसा नहीं कि सरकार ने बनाई थी, इस पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो कहीं से आया था व्हाट्सएप पर, वो डिवाइस सीबीआई के पास है, डेटा रिकवर हो चुका है। विजय नायर ने जो बयान दिए हैं वो भी उन्होंने उस बात को इंडिकेट कर दिया है कि ये पॉलिसी कैसे बनी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो जांच हुई है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि जांच के बाद हुई है, इसलिए जायज है। मैं संतोष जी आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, अभी दीपक जी भी जिक्र कर रहे थे, एक के बाद एक नेता की गिरफ्तारी हो रही है भ्रष्टाचार के मामले में, ये कैसे फिर आप कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार से दूर है? संतोष जी से आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से हम संजय राणा जी का रुख करना चाहूंगे, राजनीतिक विशेषक हैं। सर, राजनीतिक विशेषक होने के नाते आप इस गिरफ्तारी को पहले कैसे देख रहे हैं, और दूसरा जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और वो ये बात कह रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी भी जांच से आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, तो फिर ये आम आदमी पार्टी कैसे से काला दिन करार दे सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कैसे उभरी है, कैसे बनी, तो सब देखिए ऐसा है कि पार्टी बनी थी करप्शन के अगेंस्ट में जाने के लिए, और हम सब ने समर्थन किया था 2011 में जब इनका आंदोलन चालू हुआ, तो हम सब लोगों ने पैसे भी दिए थे और इनके साथ खड़े थे। बट जब से पार्टी बनी है, जिस तरह से करप्शन में लिप्त होते जा रही है, आप देखिए सबसे छोटी उम्र की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी हो गई है। जहां तक आप बोलते हो कि भाई हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करना आपका अधिकार है निदा जी, लेकिन समस्या ये है कि आप आंदोलन किसके विरुद्ध कर रहे हो? आप ये साबित करना चाह रहे हो कि आपके द्वारा किया गया कृत नहीं था? देखिए 166 डिवाइसेस थे, जिसमें से 12 डिवाइसेस सिसोदिया जी यूज कर रहे थे, जो रिकवर कर लिया गया है, और सारे लिखा पढ़ी में जितने भी गवाह, अभी तकरीबन 12 लोग पकड़े गए हैं, वो सारे के सारे गवाही दे चुके हैं जो सिसोदिया जी की तरफ है, और जो भी अभी जो पूछताछ होगी सामने सामने बैठा के होगी, तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। रहा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये देखिए एक इमेज थी अरविंद केजरीवाल की, साफ छवि वाली कि करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन अभी छवि खत्म हो चुकी है, इनके आंदोलन का उतना असर नहीं पड़ेगा। देशव्यापी अगर असर डालना चाहते, ठीक है आप आंदोलन कर सकते हो, अदानी के आड़ में आप चाहो छुपना चाहो तो छुप सकते हो, लेकिन अदानी पे अगर आपको लगता है कि अदानी ने कुछ गड़बड़ किया है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट में जाकर PIL की नहीं फाइल करते हो, आपके ऊपर आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों टीवी डिबेट में बोलते हैं, वहां कोई नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में और बात खत्म करता हूं। ये बोल रहे जनता का नुकसान हो गया, देखिए LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट 36,472 करोड़ रुपीस है, और SBI का इन्वेस्टमेंट 27,000 करोड़ रुपए, विच इज वन लेस देन 1%। मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं जो दूसरे लोगों में, जो दूसरे कंपनियों में LIC या SBI ने इन्वेस्टमेंट किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एसेट है वो एसेट गिरवी है, एसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज ये स्टूडियो चल रहा है, ये एसेट है, इसपे अगेंस्ट में अगर लोन दिया जाएगा सिक्योर लोन माना जाता है, अगर बिना सिक्योर लोन दिया तो प्रॉब्लम होती है। संजय जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैं
आपके पास आऊंगी। अजय जी, आप हाथ भी उठा रहे थे, जवाब देना चाहते थे, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए संजय जी ने एक बात कही कि अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, और हमने क्योंकि सदन के दौरान भी देखा था जिस दौरान कार्यवाही हुई, सदन के अंदर आप कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको पता है वहां हर चीज जो भी आप बोलेंगे उसका रिकॉर्ड आपको देना होगा, उसका सबूत आपको देना होगा, बाहर जाकर प्रदर्शन करते थे। देखिए संजय जी को मैं बता दूं, 5 केस कोर्ट में हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने कर रखा है, 5 केस हम कोर्ट न्यायालय में गए हैं, हमने एप्लीकेशन डाली है, हमने न्याय मांगा है। और जहां तक आपने कहा है कि आप बोले नहीं, हमने सदन में इतना बोला, हमने प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़े, कृपया कर पे अडानी पे चर्चा कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम गया, उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की, अन्य मुद्दों पे चर्चा की। संजय जी जवाब देना चाहते हैं। सर, सर, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपने मित्र का जवाब दूंगा। देखिए ऐसा है, एक बड़ी खबर आ रही है आपको बताने की, मनीष सिसोदिया मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है, राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, सीबीआई को अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी, बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया मामले पर सीएम केजरीवाल के ये ट्वीट के जरिए लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते गिरफ्तारी की गई है सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की। सबसे अहम चीज है कि लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहे विपक्ष के नेता, और ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है और कहा राजनीतिक आकाओं के दबाव के कारण ये गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।